बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। एसएसपी एवं जिलाधिकारी हरिद्वार ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण। एसएसपी ने शांति बनाए रखने के लिए की अपील। पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे एवं एसपी हरिद्वार ने आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज लाल ढंग के साथ अन्य मतदान केंद्र का जायजा लिया। सभी व्यवस्थाओं की कड़ी निगरानी कर सभी को कड़े निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रतीक जैन द्वारा बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जनपद के सभी विकास खंड में मतदान प्रारंभ हो चुका है एवं मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। प्रातः 10 बजे तक जनपद में कुल मतदान 14.26% हो चुका है। विकासखंड बार मतदान प्रतिशत निम्नानुसार है। बहादुराबाद 13, भागनपुर में 15, रुड़की में 15, नारसन में 14, लक्सर में 13, खानपुर में 13% मतदान सुबह 10 बजे तक हुआ है। इधर आते समय हरियाणा की पंजन रेडी सब जगह भ्रमण किया है। मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और पोलिंग परसेंट भी काफी अच्छा है। करीब 8 से 10 दो घंटा पहला था, उसमें लगभग 15% मतदान हुआ था। नेक्स्ट रिपोर्ट 12 बजे तक मिलेगी और सभी कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा और आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर अत्यधिक उत्साह है। सर, कुछ महिला के जो आयोजन की पहल नहीं की जा रही है, आपने सर मौके पे भी पाया था? नहीं, वो मैंने बता दिया है इनको, क्योंकि हम लोगों ने हर पोलिंग पार्टी में एक महिला कर्मचारी की तैनाती की है, खास करके वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो हमारी पर्दा नशीन महिलाएं हैं, घूंघट करती हैं, उनके लिए हमने कहा था कि उनका कोई डुप्लीकेसी ना हो, इस चीज को इंश्योर किया जाए कि उनका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होता है। सर, पूरे जिले हरिद्वार में किस तरह से मतदान चल रहा है? पूरी तरह से शांतिपूर्ण। ठीक है सर, थैंक यू सर। हरिद्वार से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।